हेलो गाइस, नमस्ते। मैं आप सभी को नाम पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। कितनी सारी? नाम पंचमी कितनी सारी मेरी बोले नहीं देते अच्छा कितनी सारी बताओ। हैप्पी नाम पंचमी आप सभी को मेरी तरफ से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप लोग के यहाँ किस तरह नाम पंचमी मनाई जाती है? तुम्हारे यहाँ बताओ किस तरह मनाई जाती है। मेरे यहाँ मेरे ससुराल में नाग पंचमी को पहले तो वो क्या कहते हैं महुआ का पत्ता तोड़ते हैं और फिर दूध और ये मटर जो होता है ना वो और इसी में धान फिर धान और क्या कहते हैं वो और क्या होता है कि मम्मी कुछ मतलब मुझे पहली बार मेरा नाग पंचमी पड़ा ना मुझे याद नहीं है। यहाँ का जो मुझे याद था वो मैं बता दी। ऐसे मनाया जाता है और फिर नाग पंचमी एक दिन पूड़ी सेवई और सब्जी और मटर को तला जाता है ये सब होता है। और मेरे मायके में नाग देवता को बना के मतलब कि रसोई में और उसमें धूप कैसे नाग देवता बनाते हैं? अच्छा, अरे वो गोबर से नाग देवता को किचन में बनाते हैं फिर उनको टेकते हैं फिर उनकी पूजा करते हैं धूप रखते हैं दूध कसोरी में रखते हैं और फूल उल चढ़ा के उनकी पूजा करते हैं तब किचन में खाना बनता है। ये मेरे मायके में होता है। ससुराल का भी मैं पहली बार पढ़ा है ना तो इसलिए मुझे थोड़ा ज्यादा समझ नहीं आ रहा लेकिन जो भी समझ में आया वो मैं बता दी आपको। अब इनसे पूछो इनके यहाँ कैसे होता है, आपके यहाँ कैसे मनाया जाता है वो आप बता दीजिए कमेंट में। हाँ तो ये ससुराल में क्या कहा पूरी समय ये सब बताए ना। मेरे मायके में ना दही जलेबी आती है मेला लगता है और फिर इसके बाद वो होता है बरा बनता है बरा। अब आप लोग बताइए कमेंट में आप लोग के यहाँ किस तरह मनाया जाता है। जो ज्यादा बरा रहता है वही बरा खाता। और जैसे कि क्या कहते हैं आप लोग के यहाँ जो बहुत जगह अलग अलग से मनाया जाता है ना किसी के यहाँ कुछ होता किसी के यहाँ कुछ होता तो इसी तरह आप लोग भी बताइए किस तरह आपके यहाँ मनाया जाता है। और जाइए दही जलेबी या तो मटर जो जो है आप लोग खाइए त्योहार मनाइए बस इतना ही। और कुछ नहीं बोलना? और कुछ नहीं बोलना। अब मैं खाना बना रही। क्या बना रही है? अभी मेरा तो सेवई बन गया आटा सान के रखी हूँ और ये तलखा बनाई हूँ। अब सब्जी बना रही हूँ पूड़ी बनाना है और 9 बज गए अब मैं जा रही हूँ बनाने। आप लोग भी जाइए अपने घर में तैयारियां करिए और मनाइए। अच्छा पता है ये गुड़िया कहते हैं ना नाग पंचमी को? हाँ, तो पता है यहाँ पे गुड़िया पे पहले क्या होता था? क्या तुम्हारे यहाँ होता था ये जो पहले ऐसे गुड़िया बनाते थे? हाँ। उसका कपड़े का गुड़िया बना के बारिश होती थी हर नाग पंचमी को तो वहां पे गड्ढे में जाके वहां पे डाल के और डंडा लेके खूब पीटते थे उसी गुड़िया को हम लोग। नहीं नहीं नहीं, नहीं यहाँ ऐसे नहीं होता। मैं होता भी होगा तो मुझे नहीं पता है क्योंकि मेरे घर में मतलब मेरे घर में नहीं मुझे पता है। ये सब नहीं करते बस जो करते वो मैं बता दी। बहुत बहुत पहले मजा आता था लेकिन अब ये नहीं होता। अब कोई नहीं करता। जब हम छोटे थे तो ये हम कर चुके हैं। मेरे मायके में ना नाग पंचमी से एक मतलब 10-15 दिन पहले से ही मेला लगने लगता है सावन का। अब पता है और अब तुम मेरी गुड़िया हो अब तुमको पानी पीटेंगे अब तुमको ही पीटेंगे। चलिए अब मुझे देर हो रही 9 बज गए खाना बनाने दीजिए अब आप चलिए। बाय बाय गाइस। और वीडियो कैसा लगा उसे बता दीजिएगा कमेंट। अब छोटे छोटे बनाएंगे ना और हम छोटे छोटे ऐसे ही जल्दी जल्दी थोड़ा बनाएंगे 2-3 दिन में बनाते रहेंगे ज्यादा देर का नहीं बनाया करेंगे। और बताइएगा जरूर। ठीक है बाय बाय। क्या करने जा रही हो आप? सब्जी में पानी डालने जा रहे हैं लेकिन अब जाइए अब हमको देर हो रही है हम नहीं बनाएंगे। बना लो। नहीं ज्यादा बड़ी नहीं बनानी है जाइए जाइए। टाटा टाटा बोलो टाटा बोलो देखो तो। सब्सक्राइब करने के लिए बोलो टाटा बाय बाय। सब्सक्राइब करने के लिए बोलो सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को बाय बाय।